1958 का आमसर एक्ट, जिसमें केंद्र सरकार अब बदलाव करने जा रही है, और ये 1958 का एक्ट था जिसको 2010 में भी संशोधित किया गया था, और 100 मीटर की रेंज में, यानी कि उसको प्रोहिबिटेड एरिया माना गया है। ठीक है, प्रोहिबिटेड एरिया यानी कि अगर कोई आपका प्राचीन स्मारक है तो उसके 100 मीटर के दायरे में आप कोई भी कंस्ट्रक्शन वाली एक्टिविटी नहीं कर सकते हो, और उसके अलावा 300 मीटर वाले एरिया को रेगुलेटेड एरिया माना गया है। ठीक है, रेगुलेटेड, इसको विनियमित क्षेत्र बोलते हैं। तो उसमें अगर आपने कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क करना है तो उसके उसमें परमिशन की जरूरत होती है, वेयर परमिशन आर रिक्वायर्ड बिफोर एग्जीक्यूटिंग स्ट्रक्चरल चेंज। तो ये दो आपके 100 मीटर का रिस्ट्रिक्शन और 300 मीटर का रिस्ट्रिक्शन 1958 आमसर एक्ट, जिसको 2010 में, उसके बाद 2017 में भी अमेंड किया गया था, उस पर फिर से जो है बात चल रही है संसद के अंदर कि इसमें कुछ बदलाव किए जाए, क्योंकि पीछे कैग की रिपोर्ट आई थी। रिपोर्ट बाई कैग सेड दैट अबाउट 1/3 ऑफ नेशनल मोन्यूमेंट्स ऑफ कंट्री हैव बीन एनक्रोच्ड अपॉन, ए मेजोरिटी ऑफ देम वर पुअरली गार्डेड ड्यू टू द लैक ऑफ मैन पावर। और जो स्मारक पहले से ही प्रदूषण, मानवीय हस्तक्षेप और आसपास की विकास गतिविधियों की वजह से खराब हो रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो है उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। तो कैगी की रिपोर्ट थी कि 1/3 जो है हमारे स्मारकों के आसपास के जो इलाके हैं उनको वो भर दिए गए हैं, तो उसको रोकने के लिए जो है ये कदम उठाया गया है। तो द एंशियंट मोनूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 इज वन ऑफ द लैंडमार्क लॉज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ एंशियंट एंड हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स। दिस एपिसोड ब्रिंग्स अट लेजिस्लेटिव जर्नी एंड इट्स इम्पैक्ट इन सेफ गार्डिंग कल्चरल हेरिटेज। इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज थी आपकी ये अभी 2 या 3 दिन पहले की, तो इसलिए हमारे एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और हमें पता भी होना चाहिए कि इस एक्ट के जरिए जो हमारे ऐतिहासिक स्मारक हैं, पुरातत्व स्थल हैं, ठीक है, तो उनको हम कैसे बचाएं या क्या रूल इस पर काम करता है। तो ये 2 बार अमेंडमेंट हो चुके हैं, और निषिद्ध क्षेत्र बोलते हैं 300 मीटर का, और पीछे 200 मीटर था आपका, और हमें संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, तो विभिन्न स्मारकों से संबंधित या रेशनलाइजेशन ऑफ प्रोहिबिटेड एंड रेगुलेटेड एरियाज आफ्टर डिस्प्यूट्स एरोज ओवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू वेरियस मोनूमेंट्स। तो जो विकास की परियोजनाएं चल रही हैं तो बार बार उसको लेकर जो है कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स सामने आते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी पीछे आई थी कि भाई जो ये क्राइटेरिया है उसको री एग्जामिन किया जाए 100 मीटर का और 300 मीटर का। तो एक तो आपने एक्ट याद करना है 1958 का, और एक जो आपकी लिमिट है प्रोहिबिटेड लिमिट है, और एक आपकी ये रेस्ट्रिक्टेड लिमिट है आपकी 100 और 300 मीटर की। तो 3 पॉइंट आपके एग्जाम के लिए हैं, और इसके अलावा इसमें कोई ज्यादा फैक्ट आपने याद नहीं करने हैं। और हमारे फाउंडेशन कोर्स शुरू हो चुके हैं 2023-24-25 के लिए, SCS के लिए और UPSC के लिए भी शुरू हो चुके हैं, तो उनके फ्री ट्रायल भी हम करवा रहे हैं। तो उसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हो, और बाकी डिटेल्स आपको हमारी साइट पर भी या ऐप पर मिल जाएगी। थैंक यू।